हाय एवरीवन, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं डिजिलाइज। लास्ट वीडियो में हमने अल्फाबेट ई से शुरू होने वाली सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अल्फाबेट एफ से शुरू होने वाली सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो पहली मार्केटिंग स्ट्रेटजी है फेसबुक मार्केटिंग। जैसा कि हमको पता है कि फेसबुक के 2.37 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, और इनमें से कुछ यूजर्स आपके कस्टमर भी बन सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फेसबुक कंपनी ने 28 अप्रैल 2014 को फेसबुक बिजनेस मैनेजर लॉन्च किया था, जो हेल्प करता है स्मॉल या बिग बिजनेसेस को उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करने में। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सोचिए कि आपका कस्टमर कैसा होगा और एक रिलेवेंट टारगेट ऑडियंस क्रिएट करें उनके डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। कौन सी लोकेशन पर आपको फेसबुक एड्स रन करना है ये भी डिसाइड करें, और इन सबको ध्यान में रखते हुए आप डिफरेंट एड्स शो कर सकते हैं फेसबुक पर। आपको ये भी बता दें कि 40 रुपीज पर डे सबसे मिनिमम कॉस्ट है कोई भी एड रन करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं फेसबुक पर एड्स रन करना तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं डिजिलाइज पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है फील्ड मार्केटिंग। ये एक बेसिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जब आप फेस टू फेस आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ किसी पर्टिकुलर प्लेस पर प्रोडक्ट्स या सर्विसेस एडवर्टाइज करते हैं, जिसमें बिजनेस फ्लायर्स या पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जनरल पब्लिक को किसी पब्लिक प्लेस पर। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको तब यूज करनी चाहिए जब आपकी टारगेट ऑडियंस जनरल पब्लिक है। तो कौन इसको यूज कर सकता है? कोई भी जूस शॉप, कैफे, सैलून या फिर हाउस होल्ड प्रोडक्ट ओनर इसको यूज कर सकता है। ये बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस यूज करते हैं। बट कब हमको ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी चाहिए? जब आपका बिजनेस किसी नीश या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर रहा है तब आपको ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में देखा जाए तो सारी पब्लिक आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होती है। बट फिर भी अगर हम ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो अल्टीमेटली फ्लायर्स या पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारा लॉस होता है, क्योंकि कोई भी जनरल पब्लिक से आपके कस्टमर बनने तक की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है ऐसे नीश ओरिएंटेड बिजनेसेस में। नेक्स्ट है फ्लैंकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मेन एम कोई ऐसा मार्केट सेगमेंट कैप्चर करना है जहां पर एग्जिस्टिंग कंपटीशन सर्व नहीं कर रहा है। ये बहुत यूजफुल स्ट्रेटजी है स्मॉल बिजनेस या फिर स्टार्टअप ओनर्स के लिए, क्योंकि जब भी आप बड़ी कंपनी से कम्पीट नहीं कर पा रहे होते हैं तब आपको ऐसा मार्केट सेगमेंट फाइंड आउट करना चाहिए जहां पर कोई भी बड़ी कंपनी सर्व नहीं कर रही हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टैक्सी बिजनेस। जैसा कि हमको पता है टैक्सी बिजनेस में ओला और उबर ने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करी हुई है, बट वहीं पर एंट्री करता है रैपिडो जो बाइक टैक्सी की कंसेप्ट पर वर्क कर रहा है। तो इन्होंने कौन सा मार्केट सेगमेंट कैप्चर किया? पहले जब ट्रेवलर सिंगल ही ट्रेवल करना चाहता था तब उसको पूरे टैक्सी के चार्जेस पे करने होते थे, तो इसी प्रॉब्लम को रैपिडो ने सॉल्व किया है जहां पर इंडिविजुअल कस्टमर बाइक पर इजीली ट्रैवलिंग कर सकता है एक रीजनेबल कॉस्ट में। नेक्स्ट है फ्री सैंपल मार्केटिंग। ये स्ट्रेटजी तब बेस्ट वर्क करती है जब आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस में कस्टमर को आपके ब्रांड पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप कोई सैंपल प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को जिसको वो यूज कर सके। ये स्ट्रेटजी बेस्ट वर्क करती है फूड आइटम या फिर कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में। तो अगर आपका फ्री सैंपल पोटेंशियल कस्टमर को पसंद आया तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो कस्टमर आपसे कोई बड़ा प्रोडक्ट परचेस करे। इसको बहुत से सुपरमार्केट्स भी यूज करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये फ्री सैंपल्स कब और
कैसे प्रोवाइड करना चाहिए कस्टमर्स को बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। अगर आपकी कोई ऑफलाइन शॉप है तो वहीं पर स्टॉल लगाकर प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री सैंपल्स, क्योंकि फ्री सैंपल्स लेने के लिए कोई मना नहीं करता। तो इसी तरह आप अपने ब्रांड की रीच इंक्रीज करके प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीबी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी फ्री सैंपल मार्केटिंग के सिमिलर है। जैसा हमने फ्री सैंपल मार्केटिंग में प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस के लिए डिस्कस किया था, तो अब ये फ्रीबी मार्केटिंग में प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी फ्री में प्रोवाइड करने पर फोकस करती है, जिसमें ई-बुक्स, स्ट्रेटजी सेशंस, लो प्राइस प्रोडक्ट्स, फ्री ट्रायल्स या फिर फ्री सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है। इन सब से आप कस्टमर के फ्री सर्विसेज ऑफर करते हैं किसी प्रीमियम सर्विस को सेल करने के मोटिव से। फॉर एग्जाम्पल YouTube, ये अभी 3 months तक आपको फ्री में इनकी प्रीमियम सर्विसेज यूज करने के लिए ऑफर कर रहा है। तो अगर आपको 3 months तक सर्विसेज पसंद आती है तो उसके नेक्स्ट डे से ऑटोमेटिकली वो मनी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही Netflix भी इनके न्यू मेंबर्स को सब कुछ टेस्ट करने के लिए 1 month फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इससे कस्टमर को आपके ब्रांड पर ट्रस्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ ये अल्फाबेट ऐप से शुरू होने वाली सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स और बिजनेस कलीग्स के साथ, ताकि मार्केटिंग लेसन्स सभी तक पहुंच सके। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। सो दिस इज प्रदीप ऑरिचिया फ्रॉम डिजिलाइज। कीप लर्निंग।